हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में क्या गर्भवती महिला को मूंगफली खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, और अगर नहीं खानी चाहिए तो क्यों नहीं खानी चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो आज मैं आपको कुछ रिसर्चेस के बारे में भी बताऊंगी जो पीनट्स के सेवन से जुड़े हैं गर्भावस्था के दौरान। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें, क्योंकि प्रेगनेंसी केयर की बहुत ही छोटी छोटी बातों को इस चैनल पे कवर किया गया है, और एक गर्भवती महिला के लिए सभी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि मूंगफली में क्या पाया जाता है, मूंगफली से जुड़ी क्या जानकारियाँ एक प्रेग्नेंट वुमेन को ज़रूर होनी चाहिए। पीनट्स, मूंगफली बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का और फॉलेट का। बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, बच्चे के विकास के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये प्रकृति में गर्म होता है, इसको खाने से लीवर को एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है डाइजेस्ट करने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मूंगफली का सेवन कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके सेवन करने से उसको खाने के बाद आपको काफ़ी गैस बन रही है, तो आप इसका सेवन रोक दें, क्योंकि रिसर्चेज ये बताते हैं कि पीनट्स भले ही बच्चे के ब्रेन और स्पाइन के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन कई बार मूंगफली की वजह से बच्चे के अंदर एलर्जी की प्रॉब्लम, माँ के अंदर और बच्चे के अंदर एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको इसको खाने के बाद डिस्कम्फर्ट फील होता है, गैस बनती है, तो आप इसका सेवन रोक दें और प्रेगनेंसी में इसका सेवन ना करें। इसके बजाय आप एलमंड्स, बादाम, अखरोट, इनका सेवन कर सकते हैं। ये नट्स भी न्यूट्रिशन में बहुत अच्छे हैं। और आप जानना चाहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां से जाके ड्राई फ्रूट्स के बारे में ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब मॉम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।